चाकू से गला रेतकर वर्कशॉप मालिक की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल घटना फरीदाबाद की संजय कॉलोनी की है, जहां घर में अकेले मौजूद वर्कशॉप मालिक जोगिंदर सिंह की अज्ञात हत्यारों ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बता दें कि हत्यारों ने पूरी वारदात को मात्र 20 मिनट में अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। घर वाले घर में गए थे, तो फिर पापा भी घर से, शायद पापा इधर से गए हैं, तो देखा है कोई घुसा हो रहा है घर में, तो कुछ बोला कि क्यों, मतलब यही बोला होगा, तो पता नहीं पैसे के लिए आए थे कि क्या करने के आए थे, पता नहीं क्या हुआ है उस घर में लेके गए हैं। बुजुर्ग और महिला, उनके बच्चे ड्यूटी चले गए थे, बुजुर्ग और महिला दोनों घर पे थे। महिला 5 बजे दूध लेने के लिए डेयरी पर चली गई और वो 5:20 पर जब वापस आई तो उसका जो हस्बैंड, लगभग 60 साल जिसकी उम्र है, वो ज़मीन पर अपने कमरे में मृत अवस्था में मिला था, जिसका किसी ने गला, यहाँ से गले चक्कू से काटा हुआ था और सिर में भी इंजरियाँ थी। और अभी ये नहीं पता चल पाया था कि किस आदमी ने, बताया कि पहले सर पे सिलबट्टा मारा गया था, पहले सर पे, फिर उसके बाद नहीं, ये देखा नहीं है किसी ने सिलबट्टा वहाँ पे मिला है। अच्छा, से वो बट्टा मिला है सिल का, उकरेंस पहले से उस पे मिला है। चोट के साथ सिर पे और गले पे, सिर पे और गले पे चोट के। और लूट की बताया जा रहा है कि कुछ कब की घटना है ये? कल शाम 5:30 के बीच। क्या नाम था मृतक का? जोगिंदर सिंह। उम्र क्या होगी? उम्र है 60 साल। कोई लूट की वारदात का नहीं, लूट नहीं है। तो अभी तक क्या तथ्य सामने आए हैं? अभी तफ्तीश कर रहे हैं, अभी बाकी कोई क्लू नहीं मिला। कोई रंजिश तो नहीं थी किसी से? कोई लड़ाई झगड़ा अभी ऐसी कोई चीज सामने नहीं है। तीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, 302, 449 के अंदर।